पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान नहाने से पुण्य होता है, बाल बच्चा के लिए सुखी संपन्न मांगने गंगा माँ से मांगते हैं और क्या है। हमारे हिंदू धर्म में ये मान्यता है कि माघी पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने से घर में सुख शांति आती है, और आज गंगा स्नान करने से घर में सुख शांति मिलती है। नमस्कार, मैं हूँ कुणाल शेखर और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। हम इस वक्त मौजूद हैं भागलपुर के बराड़ी स्थित पुल घाट पर, और माघी पूर्णिमा को लेकर किस तरह से यहाँ पर श्रद्धालुओं का तांता देखा जा रहा है, आप सीधे देख सकते हैं। और यहाँ पर जो है श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचकर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। यदि भागलपुर की बात करें तो भागलपुर के कई गंगा तट हैं जहां पर लगातार श्रद्धालु भागलपुर, बांका, मुंगेर सहित पड़ोसी राज्य झारखंड के कई जिलों से पहुंचकर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और लगातार जो माघी पूर्णिमा है, इस दिन गंगा स्नान और दान पुण्य का बहुत महत्व होता है, जिसको लेकर काफ़ी संख्या में, हम फिर से आपको ये तस्वीर, ये सीधी तस्वीर भागलपुर के गंगा तट से है जो आपको हम दिखा रहे हैं। और यहाँ पर वैश्विक महामारी कोरोना के संक्रमण के बाद यह जो माघी पूर्णिमा आया है उसको लेकर लोग काफ़ी संख्या में पहुँचे हैं, और लगातार लोगों के आने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। और माघी पूर्णिमा के को लेकर कई मान्यताएं हैं। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि आज के दिन गंगा स्नान करके दान करने से लोगों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, साथ ही साथ लोग विभिन्न गंगा तटों पर स्नान कर आज भगवान विष्णु की पूजा भी करते हैं। तो यह जो सीधी तस्वीर है, यह भागलपुर के बराड़ी स्थित जो पुल घाट है वहाँ से हम आपको दिखा रहे हैं। और कई मान्यता हैं, एक मान्यता के अनुसार कांतिका नगर में धनेश्वर नाम का ब्राह्मण निवास करता था, और उसका परिवार जो है वो प्रतिदिन दान धर्म करता था। एक दिन उसकी पत्नी नगर में भिक्षा मांगने गई, लेकिन सभी ने उसे बांझ समझकर भिक्षा देने से मना कर दिया, और 16 दिन तक वह माँ काल की पूजा की। और उसके बाद जो माँ काली ने ब्राह्मण पत्नी को गर्भवती होने का वरदान दिया था, और माघी पूर्णिमा जो माघ आज जो माघी पूर्णिमा है उसी के दिन वह गंगा स्नान कर अपना व्रत रखी थी। इस तरह की कई मान्यताएं हैं, आज के दिन गंगा स्नान करने से लोगों को सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति होती है। कुछ लोग हैं उनसे बात करते हैं, आज के गंगा स्नान का क्या महत्व है? आज का महत्व बड़ा पूर्वजों ने रखा है, इसलिए कि हम लोग उसी के आधार पर चल रहे हैं। हम लोग को पता नहीं है कि कब से रखा गया है, लेकिन यहाँ का परंपरा जो चल रहा है हम लोग उसी के देख के हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं। पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान नहाने से पुण्य होता है, बाल बच्चा के लिए सुखी संपन्न मांगने गंगा माँ से मांगते हैं और क्या है। पूर्णिमा ज्योति बिहार से आए हैं हम लोग, सबको देख के सोचे हम लोग भी नहा लेते हैं। आज हम लोग गंगा स्नान के लिए आए हैं, आज माघी पूर्णिमा है, और हमारे हिंदू धर्म में ये मान्यता है कि माघी पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने से घर में सुख शांति आती है। यहाँ पे सारे लोग सब आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं गंगा स्नान करने के लिए। इसका बहुत महत्व माना जाता है गंगा में स्नान करने के लिए। बहुत यहाँ भी आते हैं, बहुत अगर कुछ दूसरे गांव में भी जाते हैं नहाने के लिए, यहाँ से भी दूसरे गांव में भी जाते हैं नहाने के लिए। कहाँ से? बराड़ी से आए हैं, यही मेरा घर है। क्या महत्व है आज के? बहुत महत्व है आज के दिन। ना तो पता ना ऐसा माना जाता है, पुण्य होता है, पुण्य होता है। कहाँ से आए? यहीं से आए, ज्योति बिहार से। गंगा स्नान करने आए हैं, और आज माघी पूर्णिमा है, और आज गंगा स्नान करने से घर में सुख शांति मिलती है। हम रजौन से आए हैं, हमको माघी पूर्णिमा में नहाना था, हमको बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हम गंगा स्नान आए हैं करने के लिए। तो बांका के रजौन से आए हुए हैं, तो इस तरह से यहाँ पर आपको हम फिर से यह सीधी तस्वीर, ये भागलपुर के गंगा तट की है। और हम आपको बता दें कि जो लगातार भीड़ जो भागलपुर के गंगा तटों पर उमड़ती है उसको लेकर जिला प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं, मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है, पुलिस बलों की तैनाती की गई है, साथ ही साथ SDRF के जो कमांडेंट हैं गणेश जी ओझा के नेतृत्व में
यहाँ पर लगातार आप देख सकते हैं कि किस तरह से गंगा नदी के तट पर लगातार SDRF की टीम भ्रमणशील है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अभी वैश्विक महामारी कोरोना का संक्रमण काल चल रहा है, और वैश्विक महामारी कोरोना के संक्रमण काल में जिस तरह से यह भीड़ लगा है, हम फिर से आपको यह तस्वीर दिखा रहे हैं। यह सीधी तस्वीर भागलपुर के बराड़ी पुल घाट की है। बराड़ी पुल घाट पर भागलपुर के आसपास के कई जिलों के साथ पड़ोसी राज्य के भी लोग आए हुए हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ी है, यह कोरोना के संक्रमण को बढ़ाने वाला है। अपने सहयोग कैमरा पर्सन सुबोध के साथ कुणाल शेखर, लाइव सिटीज भागलपुर।